जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर अगर आपने अपना को रजिस्टर कर रखा है और आप अपनी रेगुलर ITRs वगैरह भरते हैं, आप भरते हैं या आपका कोई फ्रेंड भरता है, आपके कोई टैक्स प्रोफेशनल भरते हैं, अब आपने किसी भी साल का चालान भरा था, टैक्स भरा था, चाहे ये एडवांस टैक्स हो, चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, चाहे आपने दोस्तों पैन आधार को लिंक करने का चालान भरा हो, पहले क्या होता था, इस चालान को आपको सेव करना पड़ता था या तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन अब ईज ऑफ डूइंग के नाम पर इन्होंने थोड़ी सी आपको सुविधा दी है। इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरह का चालान अगर आपने डाउनलोड करना है तो मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड आपको चाहिए होगी। जो यूजर आईडी होती है दोस्तों, आपका पैन नंबर होता है या आप आधार नंबर भी यूज कर सकते हैं अगर आपका पैन आधार से लिंक है। पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर आप अपना डाउनलोड चालान कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए डाउनलोड चालान कैसे कर सकते हैं उसको जान लेते हैं। टैक्सीलेंट नाम से दोस्तों हमने एक यूट्यूब का चैनल बनाया है जहां पे हम फाइनेंस की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, आपके पैसे को ग्रो करने की बात करने वाले हैं। उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमने चैनल बना रखे हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें ताकि वहां पर भी आपको काफी सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो देर ना करते हुए चालान को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का चालान डाउनलोड करने के लिए आपको पता होगा incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। आने के बाद में आपको बताऊंगा यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। लॉगिन कर रखा है अगर आपने, आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तभी तो आपका लॉगिन हो पाएगा। इसके लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। दोस्तों, जो यूजर नेम होता है वो आपका पैन नंबर भी हो सकता है और आपका आधार नंबर भी हो सकता है। वो आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना जो दोस्तों पासवर्ड है पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको फिर से अपना पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपके आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, सबसे अच्छी बात है, नीचे आएंगे, ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड आधार नंबर कंटिन्यू करेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, कंटिन्यू करके आई एग्री करके जनरेट आधार ओटीपी हो जाएगा। तो हम अब अपना पासवर्ड डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से आपको दिखाई देगा, जहाँ पे ई फाइल के अंदर आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, ई पे टैक्स, इनकम टैक्स का जो पेमेंट का होता है टैक्स का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई नया चालान भरना है, टैक्स भरना है, तो सिंपली न्यू पेमेंट पर आप आ जाएंगे। इनकम टैक्स का चालान अगर आपने भरना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, कौन सा टैक्स है, अगर आप इसकी बात करते हैं, जो भी करंट आपका चल रहा है 25-26 असेसमेंट ईयर, ये देखिए एडवांस टैक्स आपका यहाँ पे आ जाने वाला है, तो आप सिंपली अगर टैक्स भरना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ई पे टैक्स पर आने के बाद में सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री पर आपको आ जाना है। जैसे आप पेमेंट हिस्ट्री पर आएंगे तो नीचे आपके दोस्तों जितने भी चालान आप लोगों ने भर रखे थे, ये आपका CIN नंबर होता है, बैंक रेफरेंस नंबर होगा, असेसमेंट ईयर किस साल का चालान था और क्या टाइप ऑफ पेमेंट थी। अब ये देखिए, आउटस्टैंडिंग डिमांड, कोई पुराना टैक्स बकाया पड़ा था, आपने एडवांस के अंदर टैक्स भरा, पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने का चालान था वो आपने भरा, कितने रुपए का भरा, किस तारीख को भरा, ये सब का सब आपका आ जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इस 24-25 असेसमेंट ईयर का जो एडवांस टैक्स आपने 10,000 पे भरा था, इसका चालान आपको डाउनलोड करना है। एक्शन वाले कॉलम में आएंगे, ये 3 डॉट दे रखे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, एक PDF की फाइल दोस्तों आपकी यहाँ पे खुल जाने वाली है। तो जैसे आपकी PDF की फाइल खुलेगी, आप इसको जूम करके इनकम टैक्स चालान रिसीट, आपका नाम, कौन सा असेसमेंट ईयर है, कितने रुपए का चालान है, किस रिगार्डिंग में ये भरा है, BSR कोड, ये जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, BSR कोड और चालान नंबर और किस तारीख को भरा है, ये सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। तो इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स का चालान मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को हमें फॉलो करना ना भूलें अभी तक नहीं किया तो। और दोस्तों, हमने टैक्सीलेंट नाम से एक नया चैनल बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।